नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में दशहरा बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ और खरीदारी के लिए बहुत शुभ दिन होता है, क्योंकि दशहरा यानी विजयादशमी पर सर्वकार्य सिद्ध करने वाला अबूझ मुहूर्त रहता है। दशहरे के दिन बिना मुहूर्त देख वाहन प्रॉपर्टी आदि की खरीदारी करने से लंबे समय तक लाभ मिलता है। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर 2023 को मनाया जाएगा। इस साल दशहरे पर बेहद शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करने से दुर्भाग्य दूर होगा और समृद्धि में वृद्धि होगी। आइए जानते हैं दशहरे पर बनने वाले शुभ योग के बारे में। दशहरे वाले दिन 24 अक्टूबर 2023 को रवि योग है, त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन पूजा और खरीदारी का विशेष लाभ होता है। रवि योग सुबह 6:27 से दोपहर 3:28 तक रहेगा। और अगर त्रिग्रही योग की बात करें तो दशहरे वाले दिन मंगल, सूर्य और बुध तुला राशि में विराजमान रहेंगे। इस दिन तीन ग्रहों की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण होगा। ये एक दुर्लभ संयोग है। इसके प्रभाव से साधक को हर कार्य में सफलता और आर्थिक लाभ मिलता है। अब जानते हैं दशहरे के मुहूर्त के बारे में। दशहरे का मुहूर्त शाम को 5:44 से शुरू हो जाएगा। अगर शस्त्र पूजन की बात करें तो 1:58 से शुरू होकर 2:43 तक रहेगा। रावण दहन मुहूर्त की बात करें तो 5:43 के बाद 2.5 घंटे तक अच्छा समय माना गया है। दशहरे का पूरा दिन शुभ होता है। इस दिन व्यापार शुभारंभ, यात्रा, शस्त्र पूजा, कार्यालय शुभारंभ, संपत्ति क्रय विक्रय आदि के लिए दिन में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। हालांकि दशहरे के समय देव शयन चल रहा होता है, इसलिए इस मुहूर्त में विवाह और वास्तु पूजा नहीं की जाती है। अब आपको बताते हैं विजयदशमी पे पूजा कैसे करनी चाहिए। विजयदशमी की पूजा करने के लिए घर के ईशान कोण में 8 कमल की पंखुड़ियों से अष्टदल चक्र बनाया जाता है। इसके बाद अष्टदल के बीच में अपराजित नव मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ दुर्गा के साथ भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। इतना ही नहीं, विजयदशमी के दिन बही खाते और शस्त्रों की पूजा भी की जाती है। इसके साथ शमी के पेड़ का पूजन भी करते हैं, इससे आर्थिक लाभ मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम और लंकापति रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। ये युद्ध अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ हुआ था और दशमी की तिथि पर भगवान राम ने रावण का वध किया था। भगवान राम और रावण के मध्य 8 दिनों तक ये युद्ध चला था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।